ये सहकारिता से जुड़े किसानों को आज उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। तय है कि अन्नदाताओं ने सौगात का सही इस्तेमाल किया तो आने वाले वक्त में उनकी आमदनी में आसानी से और भी इजाफा होगा और किसान सिर्फ खेती किसानी पर ही निर्भर नहीं रहेंगे। उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का विधिवत आगाज किया है। योजना के तहत राज्य में 100 जगह 25,000 किसानों को 300 करोड़ का कर्ज बिना ब्याज आवंटित किया गया ताकि किसान मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मौन पालन, सब्जी उत्पादन जैसे दूसरे कामों में हाथ आजमाकर अपनी आमदनी बढ़ा सके। देहरादून के बन्नू स्कूल में सीएम रावत ने लाभार्थी किसानों को चेक दिए जबकि दूसरे इलाकों में वर्चुअली शिरकत की। योजना के तहत एक किसान को बिना ब्याज के 3 लाख का कर्ज दिया गया। जो ऋण योजना हमने प्रारंभ की थी सरकार आने के बाद, उससे हमारा किसान भी प्रोत्साहित हुआ है, सरकार भी प्रोत्साहित हुई है कि किसानों ने बहुत अच्छा, या हम कहें कि उनका सदुपयोग किसानों ने किया है। उसी से प्रोत्साहित होकर के हमने आज 3 लाख रुपए तक का ऋण किसान को व्यक्तिगत रूप से और समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण ये बिना ब्याज का उसका प्रारंभ किया है ताकि हमारे किसान खुशहाल हों और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2024 तक हमको किसानों की आय दुगनी करनी है, उस दिशा में राज्य सरकार भी अपना योगदान कर सके। मुझको ये सरकार ने 3 लाख का लोन दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, इसमें मुझे दिया है कोई भी उद्योग लगा सकते हैं आप इसमें। मेरा फिलहाल से जो है मेरे पास 2 गाय हैं, मैं अपने आप खेती का काम करता हूँ, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और कोई नौकरी का कोई हिसाब नहीं था। तो अब इसमें कभी भी लोन लेने के लिए जाते थे तो बैंक में इतनी फॉर्मेलिटियाँ थी कि कुछ कहने की हद नहीं। मैंने एक बार छोटा सा लोन दिया भी उसको तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट देना पड़ा मुझे 12.5% से। अब यहाँ 0% इंटरेस्ट में मुझे लोन मिला है, शायद कि हम इससे सक्सेसफुल होंगे इसमें। और हम इस काम को करते ही करते हैं, मेरी 8 से 10 बीघा ज़मीन है, वो अपना हमारा खेती बाड़ी का काम है अपना इसमें। रेखा नागपाल, कितने का लोन लिया आपने? 3 लाख का। क्या काम करेंगे इसमें जी? कृषि संबंधी हमारा काम ना, बागवानी का। लोन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत तो खैर आती है पर हो गया हमारा, क्योंकि अब जो है सरकार काफ़ी हेल्पफुल हो गई है। मतलब पहले जो जितनी दिक्कतें आती थी सामने, अब इतनी नहीं आती पहले। तो सरकार की जो ये योजना है किस तरीके से देखती हैं, इससे कितना जो फायदा है आप लोगों को हो रहा है? नहीं, अभी तो खैर स्टार्टिंग ही है, क्या कह सकते हैं, लेकिन यह है कि अभी जो दिखाई दे रहा है वो भविष्य तो किसानों का उज्ज्वल ही दिख रहा है।